मुहर्रम के अवसर पर किए जा रहे तकरीर के सातवें दिन मौलाना नादिर हुसैन ने हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी पर बयान किया। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन पैगंबर साहब के नवासे थे, जिनसे नबी को बहुत मोहब्बत थी। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के द्वारा तकिया पारा स्कूल मैदान में आयोजित तकरीर में मौलाना नादिर हुसैन साहब ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन पैगंबर साहब के नवासे हैं और मौला अली और हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनसे नबी बहुत मोहब्बत किया करते थे। जिनकी पैदाइश के मौके पर आसमान से नबी के घर अल्लाह की तरफ से बधाई का संदेश लेकर फरिश्ते आए थे। पैगंबर मुस्तफ़ा आपसे बहुत प्यार किया करते थे और फरमाते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन को राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया, जिसने हुसैन को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। यही वजह है कि जब हुसैन को कोई तकलीफ पहुँचती तो पैगंबर मुस्तफ़ा बेचैन हो जाते। एक बार नबी अपनी बेटी फातिमा के घर गए, हुसैन को रोता देखा तो आप अपनी बेटी से फरमाया, बेटी फातिमा हुसैन को न रुलाया करो, हुसैन के रोने से मुझे रोना आता है। मौलाना नादिर हुसैन ने अपनी तकरीर में कहा कि इमाम हुसैन ने पूरी जिंदगी गरीब बेसहारा लोगों की मदद की और इसी की शिक्षा देते भी रहे। एक बार आप एक बीमार को देखने गए, उस बीमार से मुलाकात की तो उस बीमार ने कहा, ऐ हुसैन मैंने किसी से कर्ज ले रखा है और मैं बगैर कर्ज के अदा किए नहीं मरना चाहता और मेरे पास कर्ज अदा करने के लिए पैसे भी नहीं है। तो आपने कई हजार दिरहम दे करके उसका कर्ज अदा कर दिया। इमाम हुसैन इसी तरीके से सभी गरीबों का ख्याल रखते रहे और आप बचपन से ही गरीबों में अपनी हर चीजों को बांटा करते थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गसेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।